कटिहार में अब तक का सबसे बड़ा सोना लूट कांड को अपराधियों ने अंजाम दिया है। चलती ट्रेन को चेन पुलिंग कर रोक दी, फिर सोने के जेवरात से भरे बैग को हथियार के बल पर लूट लिया। इतना ही नहीं, अपराधियों ने सोना व्यापारी के आंख में मिर्च पाउडर भी डाल दिया और हवा में फायरिंग करते हुए ट्रेन से उतरकर चलते बने। मधेपुरा के सोना कारोबारी पारसमल सोनी अपने बेटे के साथ कलकत्ता से आ रहे थे। उनके पास 2.5 किलो सोना यानी 1.25 करोड़ का सोना था। आ रहे थे कलकत्ता से 8 बजे ट्रेन में। कालागोड़ा और बकरी स्टेशन के बीच में ट्रेन को पुलिंग करके रोका गया है। उस क्रम में हम सोए हुए थे और 3 लड़का है मेरे पास आया, बोला हम लोग कहाँ तुम लोग का बैग दो, हम लोग सर्च करेंगे। हम सोचे कोई ऑफिसर वगैरह ये लोग होगा जीआरपी में और में, तो उतने में मेरे सिराना के नीचे एक बैग रखा हुआ था, उसको छीन लिया। तो हम उससे मांगने लगे ऐसे क्यों छीन रहे हो भाई, चेक करो ढंग से करना है, तो छीना चपाटी क्यों कर रहे हो। तब तक हमको पिस्टल दिखा दिया, पिस्टल दिखाया, उसके बाद आँख में मिर्च का पाउडर फेंक के वो लोग भाग गया। ट्रेन उस क्रम में रुका हुआ था, स्टेशन पे नहीं था, काड़ागोला और बकरी स्टेशन के बीच में था। आपके पास क्या क्या सामान था? गोल्ड का ज्वेलरी था। लगभग मतलब वेट क्या था? 2.5 किलो के आसपास है, 2 से 2.5 किलो। दोनों पिता पुत्र सोने की खरीदारी कर सियालदह रेलवे स्टेशन से सहरसा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन से मधेपुरा आ रहे थे। कोच संख्या A1 के 26 और 27 नंबर बर्थ पर सफर कर रहे थे। ट्रेन कटिहार से खुलने के बाद काड़ागोला स्टेशन से जैसे ही आगे बढ़ी, अपराधियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया और व्यापारी पारसमल सोनी के पास आकर लूटपाट करने लगे। जेवरात से भरा पिट्ठू बैग को छीन लिया और ट्रेन से उतरने लगे। अपराधी कुल 4 की संख्या में थे। जब पीड़ित व्यापारी अपराधियों के पीछे जाने लगे तो अपराधियों ने पीड़ित व्यापारी के आंख में मिर्च का पाउडर फेंक दिया और ट्रेन से उतरकर हवा में फायरिंग करते हुए आराम से चलते बने। तब तक ट्रेन खुल चुकी थी। पीड़ित व्यापारी नौगछिया स्टेशन पर उतरकर रेल थाने में मामला दर्ज कराए। पुलिस की टीम मामले की छानबीन में जुट गई है। घटनास्थल के समीप गांव में जाकर पूछताछ कर रही है। बदमाशों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी चल रहा है। जैसे ही सूचना मिली वहां जाकर योगी जिस रूट से अपराध कर्मी भाग गए थे उसका अति किया गया। तुरंत वहां मेरी टीम DIU और जो भी SID की टीम पहुंच गई और लगातार जिसे रिट्रीट किया है, जिस अति में अपराध के विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है और पता किया जा रहा है। और जो भी तकनीकी साक्ष्य या इनपुट जो भी मैनुअल पास सूचना के द्वारा है और जो भी पूर्व से जो आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं जो भी संबंधित थाना में ये पूछते ही बरारी थाना में पड़ता है ये एरिया जहाँ पर भी है, तो इसके आधार पर हम लोग इसको उद्भेदन कर उद्भेदन किया जाएगा और जो भी इसमें लोग संलिप्त हो गए उनके विरुद्ध जो भी साक्ष्य कड़ी से कड़ी। मामला दर्ज होते ही रेल पुलिस हरकत में आ गई और स्थानीय थाना के साथ मिलकर घटनास्थल पर पहुंचकर अनुसंधान में जुट गई है। रेल पुलिस के आला अधिकारी और स्थानीय पुलिस घटनास्थल के समीप के गांव में जाकर पूछताछ कर रही है और साथ ही अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। देशवा न्यूज के लिए कटिहार से नीरज झा की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।